अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इशत किचन में आपका बहुत ही भाई साथ वेलकम है। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन पटेटो कबाब की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बनाना। सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 250 ग्राम चिकन ले लिया है, 250 ग्राम आलू ले लिए हैं, एक मीडियम साइज़ की प्याज है, एक मीडियम साइज़ की कैप्सिकम, और ये एक गाजर जिनको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। फिर मैंने लिया एक अंडा, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, और ये हमारे खाने की जान हरा धनिया, थोड़े से ब्रेड क्रम्स और ये चीज़ के स्लाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चिकन पटेटो कबाब बनाना। सबसे पहले हम अपने आलू को बॉईल कर लेंगे। ये देखिए, मैंने कुकर में आलू ले लिए हैं। अब हम इनको धो के रख देंगे बॉईल करने के लिए। ये देखिए, मैंने आलूओं को धो के उसमें पानी ले लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। चलिए अब हम अपने कुकर का ढक्कन लगाते हैं और रख देते हैं इसको बॉईल करने। चलिए अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह, और इस पर रख देते हैं अपना कुकर। फ्रेंड्स, हम इसमें 4 सीटी ले लेंगे। मेरे आलू थोड़े बड़े साइज़ के थे, इनको गलने में टाइम लगेगा, तो इसलिए हम इसमें 4 सीटी ले लेंगे। और चलिए फ्रेंड्स, हमने अपने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। अब हम रखते हैं अपना चिकन बॉईल करने। ये मेरा चिकन धुला हुआ है, इसलिए मैं डायरेक्ट ही कढ़ाई में ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाह। और अब इस कढ़ाई में हम ले लेंगे पानी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी कढ़ाई में पानी ले लिया है। फ्रेंड्स, हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि इसको कम से कम 20-25 मिनट हम पकाएंगे ताकि हमारा चिकन गल जाए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून। इसी के साथ साथ हम इसमें शामिल कर देंगे थोड़ा सा नमक। और चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको भी बॉईल करने रख देते हैं। चलिए अब हम अपनी गैस ऑन करते हैं, बिस्मिल्लाह, और गैस पर रख देते हैं अपना चिकन बॉईल होने के लिए, बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इसको भी बॉईल होने देंगे कम से कम 20-25 मिनट के लिए, और आलू में 4 सीटी आने देंगे। तो चलिए मिलते हैं चिकन बॉईल होने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बॉईल हो चुके हैं, चिकन भी बॉईल हो चुका है। अब हम अपने आलूओं को छील के अच्छे से इसको मैश कर लेंगे और अपने चिकन को श्रेड कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू छील चुके हैं और हम इनको मैश कर लेंगे। चलिए अब हम अपने आलू को अच्छे से मैश कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू खूब अच्छे मैश हो चुके हैं। अब हम इनको साइड पर रखेंगे और अपना चिकन श्रेड कर लेंगे। ये देखिए, बस इस तरह से हम अपना चिकन श्रेड कर देंगे। ये देखिए, बस इसी तरह से हम अपना सारा चिकन श्रेड कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे आलू मैश हो चुके हैं, चिकन भी श्रेड हो चुका है। अब हम ये आलू और चिकन को मिक्स कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपनी गाजर, प्याज और शिमला मिर्च, कैप्सिकम। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी रेड चिल्ली पाउडर, नमक और ये ब्लैक पेपर पाउडर, और ये हमारे खाने की जान हरा धनिया, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। चलिए अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इनके कबाब रेडी कर लेंगे। चलिए अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे। चलिए अब हम इसको राउंड राउंड शेप देंगे। अब हम इसको करेंगे प्रेस, और ये जो मैंने चीज़ लिया था उसके छोटे छोटे स्लाइसेस कर लिए हैं। अब ये एक स्लाइस हम इसमें रखेंगे और इसको पूरा क्लोज कर देंगे। चीज़ बीच में जाना चाहिए, ये देखिए बस इस तरह से। फिर हम इसको राउंड राउंड बॉल बनाएंगे।
और बस इस तरह से हम इसको प्रेस करेंगे। ये देखिए बस इसी तरह से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से रेडी हो गया हमारा कबाब। बस इसी तरह से हम अपने सारे कबाब रेडी कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी हो गए हमारे कबाब, मतलब पके नहीं है अभी, टिक्की बन गई है कबाब की। अब हम एक प्लेट में एक अंडा ले लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। और अब हम इस अंडे को अच्छे से फेंट लेंगे। चलिए अब हम एक एक करके अपना कबाब उठाएंगे और उस पर अंडे और क्रम्स की कोटिंग कर देंगे। देखिए इस तरह से। इसी तरह से हम अपने सारे कबाब अंडे में और क्रंच में कोट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने अपने सारे कबाब कोट कर लिए हैं अंडे में और क्रंच में। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो उसके लिए देखिए मैंने गैस पे तवा रख दिया है। अब हम इस पे ऐड करेंगे थोड़ा सा तेल, 2 टेबलस्पून के करीब। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इस पे अपने कबाब सेक लेंगे। बिस्मिल्लाह। और फ्रेंड्स हम अपने कबाब लो फ्लेम पर सेकेंगे। चलिए फ्रेंड्स हमारे कबाब एक साइड से हो चुके हैं, अब इनको टर्न कर देंगे ध्यान से। बिस्मिल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से फ्राई हो गया है हमारा कबाब। बस इसी तरह से हम सेकंड साइड से भी अपना कबाब अच्छे से फ्राई कर लेंगे, एकदम गोल्डन गोल्डन। तो देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया है। तो ये देखिए हमारे कबाब सेकंड साइड से भी अच्छे से सिक चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाह। चलिए इसी तरह से हम और अपने सारे कबाब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स रेडी है माशाल्लाह हमारी टेस्टी से चिकन पटेटो कबाब। आप भी इन्हें ज़रूर बनाइए, ट्राई करिए, अपनी प्यारी फैमिली को खिलाइए, मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करिए। अल्लाह आप सबको खुश रखिए, अच्छी सेहत दे। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट दुआ में याद रखिए।